हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज के फर्स्ट डे के मॉर्निंग शो ऑडियन ऑक्युपेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आप सबको पहले बता दूं कि गुड न्यूज को इंडिया में बहुत ज्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है, यानी अगर आप कंपेयर करें अक्षय कुमार की पिछली मूवी से तो ये अक्षय कुमार की करियर की सबसे बड़ी रिलीज मानी जाएगी। लगभग 3,800 से लेकर 3,900 स्क्रीन्स पे गुड न्यूज को रिलीज किया गया, यानी दोस्तों इतने ज्यादा स्क्रीन्स पे गुड न्यूज आराम से बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी कर सकती है और रिकॉर्ड भी बना सकती है। तो दोस्तों, सीधे सीधे बात कर लेते हैं आज के मॉर्निंग शो ऑडियन ऑक्युपेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आज का मॉर्निंग शो जो है गुड न्यूज के लिए स्लो स्टार्ट है, क्योंकि मॉर्निंग शो जो ऑडियन ऑक्युपेंसी है वो है 20% से लेकर 25% के बीच में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका एडवांस बुकिंग लो था, इस वजह से मॉर्निंग शोस पे इसको लगभग 20 से लेकर 25% की ऑक्युपेंसी मिली है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा, पब्लिक रिपोर्ट्स सामने आएंगे, तो हो सकता है अगर पब्लिक रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती है तो इवनिंग शो में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। अगर दोस्तों पब्लिक रिपोर्ट्स बुरी आती है तो उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, इसके क्रिटिक्स रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों पब्लिक रिपोर्ट्स, पब्लिक रिव्यूज क्या आएगा वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, गुड न्यूज का जो फर्स्ट डे का मॉर्निंग शो ऑडियन ऑक्युपेंसी है वो है 20 से लेकर 25% के बीच में। तो दोस्तों, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि उसका फर्स्ट डे का फाइनल कलेक्शन कितना होगा। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेशन में जरूर दें, और ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।